नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगरा में G20 डेलीगेशन का सत्र का दीप प्रज्वलित कर भव्य शुभारंभ किया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सत्र का शुभारंभ किया है। इस खास मौके पर कैबिनेट मंत्री बता दें कि बेबी ईरानी मौर्य भी मौजूद रही हैं। झांसी में बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि साध्वी उमा भारतीय देश की सबसे बड़ी झूठी साध्वी है। पिछले मध्य प्रदेश के चुनाव में साध्वी उमा भारती ने 2 साल में बुंदेलखंड के राज्य बनाने की बात कही थी। वहीं उसी को लेकर झांसी के मऊरानीपुर में बता दें कि केदरा देवेश्वर धाम में मंदिर के साध्वी उमा भारती ने गौ अदालत का आयोजन किया था, जिसमें बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने को लेकर मीडिया से पूछे जाने पर साध्वी ने कहा था कि बुंदेलखंड राज्य से पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कहा कि जन भावनाओं के खिलाफ बुंदेलखंड राज्य का गठन नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के लोग बुंदेलखंड राज्य में नहीं आना चाहते हैं। कोशिश नहीं करना चाहिए कि लोगों को फायदा बुंदेलखंड राज्य में ये है। नहीं वो मैं नहीं करूँगी, मैं कर नहीं पाऊंगी, मेरे से मतलब मेरे से होगा नहीं। कोई कोई काम किसी से होता नहीं है ना, ये नहीं। दीदी क्या रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ मानना चाहिए अध्ययन का? अरे रामायण जब छोड़ी थी तब झारखंड बन पाया था। यही एक दिक्कत है जो मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मीडिया को करना पड़ेगा और समाज सेवियों को ये काम करना पड़ेगा। राज्यों में आपकी सरकार है और पिछले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय आपने ये हम लोगों से बात की थी, उसमें आपने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि भैया 2 साल बाद बुंदेलखंड राज्य का निर्माण हो ही जाएगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। ये आपने कहा था यही पास के कुआ गांव में। ये उमा भारती जी ने कल बयान दिया है कि वो तो बुंदेलखंड के साथ है लेकिन मध्य प्रदेश वाले नहीं चाहते। अरे उमा भारती, आप तो झूठ का पुलिंदा हो गई। कम से कम साध्वी रहते हुए झूठ तो मत बोलिए। हम लोग आपसे सीखते हैं, साधु संत महात्मा से, उनके उनकी बताई हुई राह पर चलते हैं। आप झूठ बोल बोल के हम लोग का विश्वास और डिगा रही हो। मध्य प्रदेश के 5 विधायकों ने अभी तक चिट्ठी लिख दी है प्रधानमंत्री को कि यथाशीघ्र बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। मध्य प्रदेश के दमोह अधिवक्ता संघ ने, सागर अधिवक्ता संघ ने और छतरपुर अधिवक्ता संघ लिखने जा रहा है, दतिया अधिवक्ता संघ लिखने जा रहा है, ये सब चिट्ठियां लिखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि यथाशीघ्र अखंड बुंदेलखंड बनाया जाए। आरएसएस के कद्दावर नेता संजीव राजा का निधन हो गया है। दरअसल पूर्व विधायक संजीव राजा की अचानक तबीयत बिगड़ने से इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूर्व विधायक के निधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। कानपुर सपा विधायक इरफान सोलंकी के संपत्ति की जब्तीकरण की गई है और इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत जजमऊ स्थित हिलाल कंपाउंड को पुलिस ने सील कर दिया है और 21 करोड़ की कीमत बताई जा रही है इसकी। दरअसल बता दें कि 28 फ्लैट बनाए गए थे जो लगभग सभी बिक चुके थे। इन्हीं लोगों से इंस्टॉलमेंट पर खरीदा गया था और साथ ही लोगों की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। वहीं कुछ लोगों की रजिस्ट्री और भी दाखिल कर उन्हें खारिज कर दी जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई की बात सुनकर आवंटन कराने वालों में दहशत का माहौल है। इरफान और उनके सहयोगियों की अब तक करीब 150 करोड़ की बेनामी संपत्ति को आंका गया जा चुका है और बता दें कि अफसरों ने इस कार्रवाई को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस ने सूत्रों ने बताया है कि इस कार्रवाई को लेकर अलग अलग टीम बनाई गई है। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके सहयोगी शौकत अली के बता दें कि जजमऊ हिलाक कंपाउंडर स्थित 27 फ्लोर के लेकर बता दें कि पुलिस ने शुक्रवार को जब्त कर लिया है। इसकी कीमत 25 करोड़ आकी गई है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को बता दें कि ग्वालटोली थाना क्षेत्र में विधायक के करीबी शौकत अली की 3 करोड़ की एक और बिल्डिंग को सील किया है।
फिलखाना थाना क्षेत्र में एसपी बता दें कि रंजीत कुमार ने बताया है कि शौकत अली के लड़के की बिल्डिंग को सील किया गया है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया है कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने के बाद बिल्डिंगों को सील किया जा सकेगा। वहीं कर्नलगंज थाना क्षेत्र के एसपी अकमल खान ने बताया है कि बिल्डिंग में केवल 2 लोग रहते थे जिसको बाहर निकाल कर पूरे बिल्डिंग को सील किया गया है। हमने 7 महीने पहले खरीदी थी ये, हम इनको पैसे दे चुके थे, अब ये किसी वजह से अंदर चले गए थे, अब ये निकले हैं तो मेरी रजिस्ट्री कल उन्होंने क्लियर कर ली, सब लिखा पड़ी है, ये है मेरी रजिस्ट्री। आज क्या हुआ? आज हम लोग ने रजिस्ट्री दिखाई, इन लोग ने माना नहीं, कहीं सब चलो बाहर निकलो ये सब फर्जी है, कहा अंदर घुसे हुए। क्या नाम है भैया? हाशिम अली। हाशिम भाई, आप जिस बिल्डिंग में रहते, किसकी बिल्डिंग है और कब आपने ली थी और कब रजिस्ट्री कराई? ये शौकत अली के लड़के अशरफ अली की बिल्डिंग है, हमने 1 साल पहले बुकिंग करी थी, 6 महीने पहले हमने पैसे पूरे दे चुके थे, वो अंदर चले गए थे, इस वजह से रजिस्ट्री पेंडिंग हो गई, वो जैसे छूट के आए हैं वैसे मैंने तुरंत। अशरफ अली की संपत्ति है जो शौकत अली जो इरफान सोलंकी गैंग का एक मेंबर है उसकी ये प्रॉपर्टी है जिसमें 5 फ्लैट्स बने हुए हैं। इस 5ों फ्लैट्स को सील किया जा रहा है इंक्लूडिंग मेन गेट, है ना, इसकी अनुमानित मूल्य लगभग 3 करोड़ है जिसको आज हम लोग अंतर्गत धारा 14(1) सील कर रहे हैं। आपसे दो दिन पहले जब यहाँ पुलिस आती थी यहाँ ताला पाया जाता है, मगर जब आज सील करने की बारी आती है यहाँ 2 परिवार रहते हुए पाए जाते हैं? नहीं, ये कल परसों में 1-2 परिवार आकर यहाँ अवैध रूप से रहने लगे हैं जिनके पास कोई रजिस्ट्री के कागजात अभी तक नहीं दिखाए गए हैं, उनसे मांगा जा रहा है। बिसौली के मदरलन इंटर कॉलेज में आज जिलाधिकारी मनोज कुमार और साथ ही एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह बोर्ड की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि जहां लगातार हर साल बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होती है, वहीं 16 फरवरी से इलाहाबाद बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है, वहीं लगातार जिलाधिकारी द्वारा परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। आज मदनलाल इंटर कॉलेज विसौली में परीक्षा केंद्रों का जिलाधिकारी मनोज कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने निरीक्षण किया है, जिनमें मदनलाल इंटर कॉलेज पर तैनात प्रधानाचार्य को नकल विहीन बोर्ड की परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं। जो शासन के निर्देश है उसमें सभी परीक्षा केंद्रों के जो केंद्र व्यवस्थापक है, सहायक केंद्र व्यवस्थापक है, उनसे जुड़े हुए जितने अन्य लोग हैं उन सभी का प्रशिक्षण कंप्लीट कर दिया गया है, सभी की विस्तृत ब्रीफिंग कंप्लीट हो गई है, 16 फरवरी से परीक्षाएं आरंभ होनी है और उसी के क्रम में मैं और एसएसपी साहब आज कुछ परीक्षा केंद्रों का मौके पर हम लोग देख रहे हैं कि वहां प्रश्न पत्र रखने की, परीक्षाएं कराए जाने की व्यवस्थाएं समुचित हो गई है या नहीं। झांसी में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के महाराज सिंह नगर पुलिया के पास सड़क किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप समझ गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक की पहचान हो चुकी है। आशंका जाहिर की जा रही है कि बाइक सवार की मौत सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे को तेज गति से आने के कारण टकराने से हुई है। फिलहाल पुलिस अभी मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। वही पैर फिसलने से घर के बाहर बने कुएं में एक युवक गिर गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवक को किसी तरीके से बाहर निकाला। वही एम्बुलेंस से सीएससी अछलदा भिजवाया गया जहां पर युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। बता दें कि औरैया का यह पूरा मामला है जहां पर युवक की मौत होने के बाद परिजनों में रो रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। असल्ला थाना क्षेत्र के ग्राम घसारा में एक 35 वर्षीय व्यक्ति अपने घर के सामने बने कुएं में नशे की हालत में कूद गया। सूचना पर छलदा पुलिस एवं फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को कुएं से बाहर निकले तथा इलाज के लिए सीएससी अछलदा भेजा गया, जहां चेकअप के उपरांत डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। The cat sat on the mat.
जनपद के श्रावस्ती में हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। बीते देर रात बता दें कि एक बार फिर से जनपद में एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जब लकड़ी मशीन का पट्टा चढ़ाते समय पट्टे पर फंस जाने के कारण एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र भिनगा कोतवाली अंतर्गत लालपुर हरैया तेराई निवासी उदयराज के पुत्र जोधा और आपके बता दें कि अपने फर्नीचर की दुकान पर लगी लकड़ी मशीन का पट्टा चढ़ा रहे थे, तभी अचानक उसका पैर फिसलने से बता दें कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी होते ही मौके पर परिजन पहुंचे हैं और मशीन बंद कर घायल को किसी तरीके से बाहर निकाला है। इसके बाद से घायल को बठी हवा स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे हालत देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जनपद श्रावस्ती में एक खाद बीज की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लगने का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर बता दें कि पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। दुकान बंद करने के बाद से दुकान मालिक घर चला गया था और इस दौरान सुबह जब पीड़ित ने दुकान खोला तो सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। आग लगने के से खाद और बीज से भरा पूरा पैकेट जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि 10 से 15 लाख रुपये तक की खाद बीज का सारा सामान और ज़रूरी कागजात भी जलकर खाक हुए हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से आग लगने से पूरा बीज जलकर खाक हो गया है। आग सब सर्विस से लगी लाइट से चले हुए, आज कोई बात हुआ होगा। रात में बड़े भाई साहब देखे यार तंग रहा था, जब देखे झांकी से तो लोग निकल रहा था, फोन लिया हम लोग भाग के आए और आमने सामने उन्होंने बुलाया, सब लोग मिलकर बताए इसको, फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड को फोन किया, वो आया तब तक हम बता चुके थे, तब तक वहाँ भी कहीं और आग लगी थी वहाँ चला गया था वो। जगदीशपुर में संदिग्ध परिस्थिति में झाड़ियों में एक युवक का शव बरामद किया गया है। ग्रामीणों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुट गई है। युवक की उम्र महज 25 वर्ष बताई जा रही है, जिसके बाद से लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है और बता दें कि झाड़ियों में इस युवक का शव मिला है। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक साथ 3 लग्जरी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि 3 गाड़ियां एक साथ खड़ी हुई थी, जिसके बाद से गाड़ी अचानक जलकर खाक हुई है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह, जिसकी चपेट से ये दोनों गाड़ी बगल में खड़ी हुई थी ये भी जलकर खाक हो गई है, जिससे तीनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई और ये गाड़ियां जलकर खाक हो गई। मौके पर दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से ये दोनों गाड़ी भी आग के लपेटे में आ गई। इसकी बता दें कि पूरे मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस और शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। भाई हमको सुबह बताया गया है, हमको हमारे पास फ़ोन मिलाया जा रहा था, लेकिन हमारा फोन मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जिसके कारण हमको सूचना नहीं मिल पाई। और हमारे हम 3 गाड़ी खड़ी थी, हमारे बीच की गाड़ी एक UV300 महिंद्रा की थी, उसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी से आग लग गई और उसी से बगल में जो कि मोदनवाल की गाड़ी थी और उसके बगल में हमारी गाड़ी थी। हमने तो अभी 15 दिन पहले गाड़ी परचेज किया था, 200 किलोमीटर गाड़ी हमारी से चली हुई थी। यूपी के बरेली जनपद में एक बड़ा हादसा हो गया है, सड़क हादसा, जहां पर बता दें कि बरेली क्लब के पास ये सड़क हादसा हुआ है। एक अज्ञात वाहन एक कार से टकरा गई है, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से मौत हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक कैंट के युगविना में एक शादी समारोह में शामिल होकर दोस्तों के छोड़ने
दोस्तों को छोड़कर वापस आ रहा था। इसी दौरान वे हादसे का शिकार हो गया है। सुरेंद्र विशाल अरविंद की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं विनय अनिल दिग्विजय गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उपचार के लिए उन्हें शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा अज्ञात वाहन की तलाश लगातार जारी है। हरदोई के थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र में आठदानपुर के बाद बता दें कि उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब गन्ने की खेत में ऊंची ऊंची लपटे आग की देखने को मिली है। इस बात की सूचना खेत मालिक ने शिव कुमार ललित और साथ ही कमलेश को जैसे ही मिली वे आनन फारन में अपने खेत में पहुंचे और आग को बुझाने में लग गए हैं। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी आग ने अपनी लपेटे में काफी फसलों को ले ली है। 15 से 20 बीघे की गन्ने की फसल जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। वहीं गांव में लोगों का कहना है कि अमर पुरवा के रहने वाले लोग द्वारा खेत में आग लगाई गई है, जिसके बाद से पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमारा नाम कौशल कुमार सिंह है, आठ दानपुर के रहने वाले। गन्ने के खेत में पूर्वा के लोगों ने आग लगाई है, इसकी शिकायत बेटा गोकुल में FIR दर्ज करवा दी। कितने बीघे? 15-20 बीघे आग लगी है। हमारा नाम कमलेश कुमार सिंह कमलेश सिंह है। हमारे खेत में गन्ना खड़ा था, गन्ने में जिसमें आग लगा दी पूर्वा के लोगों ने करीब 15-20 बीघे में, अब सब बर्बाद हो गया है। बरेली में अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में जिलाधिकारी, जिला प्रमोशन अधिकारी और साथ ही मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में सरकार द्वारा बच्चों को लेकर योजना चलाई जा रही है। इस योजना को लेकर धरातल पर पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बाल श्रम, बाल विवाह, बाल भिक्षा, बाल नशा और साथ ही इसके रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए गए। साथ ही इसको रोकने की तुरंत संज्ञान में लेने की बात भी कही गई है। बांदा में अनशन कर रहे पीड़ित दिव्यांग परिवार को पुलिस द्वारा जबरन उठा ले जाने के बाद दिव्यांग पार्टी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि पीड़ित दिव्यांग 100% विकलांग था और साथ ही पीड़ित और उनके बेटे को पुलिस उठाकर जेल ले गई थी। वहीं परिवार का आरोप है कि बीजेपी विधायिका ओम मणि वर्मा के रसूख के चलते पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है और दिव्यांगों ने जिलाधिकारी बता दें कि साथ ही क्षेत्र अधिकारी नरेंद्र और पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह को हटाने की मांग करते हुए नजर आए हैं और साथ ही पीड़ित परिवार को अपना समर्थन दिया है। और बांदा का ये पूरा मामला जहां पर दिव्यांग का लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और बताइए अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी लगाई जा रही है, जेल भेजने को लेकर लगातार ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और बता दें कि कहा यह जा रहा है कि पीड़ित और उनके बेटे को पुलिस द्वारा उठाकर जेल ले जाया गया है और साथ ही बीजेपी विधायिका ओम मणि वर्मा के रसूख के चलते पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है, लगातार ये दिव्यांगजनों का आरोप है। और यह तस्वीरें बांदा की जहां पर दिव्यांग का लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लगातार वे प्रशासन से अपनी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्षेत्र अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हटाने की लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह साफ तौर पर कहना है कि लगातार दिव्यांग को जेल में बंद कर दिया गया है और बिना कारणों से जेल में उन्हें बंद किया गया है।
ये बहुत दुखद घटना है, बहुत निंदनीय घटना है और इस तरह की घटना आज तक के किसी सरकारों में हमने आज तक देखा ही नहीं है कि जो संपूर्ण रूप से विकलांग हो और जो अपने मन से अपने बल से उठ ना पाता हो, चल ना पाता हो, उसके साथ जिस तरह सत्ता को कृत्य किया गया है माननीय विधायिका जी के आदमियों द्वारा और उनकी सह से रोज उनको प्रताड़ित किया जाता था, रोज उनको चिढ़ाया जाता था, जबरदस्ती चिढ़ाया जाता था, तब वो मजबूर हो करके जब इनको अपशब्द कहा तो इसके बाद इन्होंने मारपीट चालू कर दिया। मारपीट चालू करने के बाद जब ये नारायणी कोतवाली गई तो इनकी एप्लीकेशन नहीं ली गई, इनकी FIR नहीं दर्ज की गई, उल्टा सत्ता की हनक के कारण उल्टा इनके ऊपर FIR दर्ज हो गई। ये बेचारे DGP के यहाँ, DIG के यहाँ, SP के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ, मुख्यमंत्री जनता दरबार तक गई, इनको न्याय नहीं मिला। उसके बाद मजबूर होकर के अशोक लाट पर विगत 4 दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं और धरने पर बैठने के चौथे दिन शाम को 3 बजे आनंद फानन में कोतवाली की पुलिस आती है, नारायणी कोतवाली की, और बांदा सदर की पुलिस लेती है और ये कह करके कि हमें बयान लेना है और उठा करके ले जाती है और बाप और बेटे को दोनों को जेल भेज देती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देखना ना भूलें। नमस्कार।